सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और कौन तुम्हें मारना चाहता है? मेरा नाम मृदुल है और मैं प्रकाश नगर में रहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसे पढ़कर मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही कहानी जब मैंने गोविंद नाम के लड़के को सुनाई तो कहानी सुनते ही वो मर गया। मर गया? ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया, सच्ची सच्ची ऐसे ही हो गया। और अब वो भूत बनकर मुझे मारना चाहता है और मैं उससे बचने के लिए यहाँ तांत्रिक कालीचरण को ढूंढ रहा हूँ। तुम इस समय कालीचरण की छत्र छाया में ही खड़े हो बालक। क्या आप ही कालीचरण हो? क्या मुझे उस भूत से बचा लोगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कितने हजारों लाचारों को प्रेतों सायों और चुड़ैलों से मुक्ति दिलाई है मैंने। वो बहुत ही खतरनाक भूत है, मुझे मार के नहीं रहेगा। ये कोई साधारण लालटेन नहीं है बालक, हनुमान जी के पवित्र चरणों का तेल इसमें मिला है। मैं और तेल लेने के लिए मंदिर ही जा रहा था, और जब तक ये तेल इस लालटेन में है कोई भी भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलो मैं बचाऊंगा तुम्हें उस भूत से, आओ। बैठो। पानी लोगे? नहीं, पर मेरे मन में दो सवाल है। पहला, अगर आप कहानी सुनकर मर गए तो आप भी मुझे मारोगे तो नहीं? फिर तो वो कहानी मैं जरूर सुनना चाहूंगा। और दूसरा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप मुझे बचा पाओगे? आजकल तो बहुत ढोंगी बाबा घूमते फिरते हैं। बस, कालीचरण के काम पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई, और मेरे किए को कोई काट सके ऐसा बालक किसी माता ने नहीं जना। तो सुनना चाहता है तो सुन। एक महीना पहले की बात है, मुंद्री नाम की एक औरत पे पिछले 7 सालों से ऊपरी असर था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो असर पूरी तरह से समाप्त किया मैंने। और सुनो, कुछ दिन पहले की बात है,
मेरा छोटा भाई श्रीकांत पुराने कीकर के पेड़ वाले सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। ना समझी मैं एक बड़ी गलती करते हुए वो उस पेड़ पर पेशाब करने लगा। किसी ने उसे इतनी तेज मारा कि चार दिन तक उस अपाहिज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और चार दिन बाद उसकी जुबान पर एक ही नाम था, सफेद पुतली वाला भूत जो उसी कीकर के पेड़ पर रहता है। मेरा खून खोलने लगा। तब मैंने प्रण लिया कि इस भूत को मैं सबक सिखा के रहूंगा। सफेद पुतली वाले राक्षस, तूने मेरे कमजोर और अपाहिज भाई को डराया, ले मैं भी तुझे गंदा करता हूं। हा, ले, और तू मेरा बिगाड़ ले क्या बिगाड़ लेगा, तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मुझे मार के दिखा। तू तो क्या, तेरे जैसे हजार दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिन के बाद से सब ठीक हो गया। और तो और, लौर कुश नाम के दो जुड़वा बच्चों को एक शैतान डायन के काले जादू से मुक्ति दिलाई मैंने। वो उन्हें हड़पना चाहती थी, अगर हड़प नहीं पाई, समझे? हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे बचा पाओगे। कहानी सुनाओ बालक। बहुत साल पहले की बात है, शोभित नाम का एक लड़का देव कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था। दूसरे शहर का होने के कारण वो उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। छुट्टियों का समय था, लगभग सभी स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे। शोभित के मैथ प्रोफेसर मिस्टर जोशी भी उसी हॉस्टल में रहते थे। शोभित काफी समय बीमार रहा, इसलिए मिस्टर जोशी ने उसे असाइनमेंट पूरा करने के लिए 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया था। काफी मेहनती लड़का था शोभित। वो जानता था कि असाइनमेंट खत्म करना कितना जरूरी है, और वो भी जो उस हॉस्टल के बारे में कहा जाता था, यह कि 12 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है। आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। लगन से उसने असाइनमेंट 3 दिन पहले ही पूरा कर लिया। वो उस दिन काफी खुश था। इस समय कौन हो सकता है? मेरा नाम अखिल है,
मैं तुम्हारी क्लास के सेक्शन बी में पढ़ता हूँ। मुझे तुम्हारा मैथ्स का असाइनमेंट चाहिए। असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट? वही जो तुमने आज खत्म करके अपनी टेबल पे किताबों के नीचे रखा है। वो असाइनमेंट तो मुझे 3 दिन बाद प्रोफेसर जोशी को दिखाना है। 3रे दिन मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। पर असाइनमेंट तो सबको अपना अपना बनाना होता है। मैं मैथ्स में काफी कमजोर हूँ। पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, ना मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। मेरी अटेंडेंस काफी कम है, इसीलिए नहीं देखा होगा। मैं 3रे दिन तुम्हें तुम्हारा असाइनमेंट जरूर लौटा दूंगा। बस ठीक 12 बजे से पहले दरवाजा मत खोलना। क्यों? पता है ना लोग इस हॉस्टल के बारे में क्या कहते हैं। हाँ ठीक है। शक्ल भी देख ही लेता हूं। परेशान रहने लगा। 3 दिन उसे 3 सालों के बराबर लग रहे थे। 2 दिन तो किसी तरह बीत गए, पर 3रे दिन उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे घड़ी की सुई बहुत धीरे चल रही हो। रात के 12:15 बज चुके थे। किसी की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए। हेल्प करो, खुद फंस जाओ। 3 दिन बोला था असाइनमेंट लौटाने के लिए, पर अभी तक नहीं लौटाया। अब कल प्रोफेसर जोशी को क्या बोलूंगा? हट। शोभित से रहा नहीं गया और वो सब बेवकूफ बनाते हैं, झूठे हैं सब। खुद मेहनत से बचते हैं और दूसरों की मेहनत खराब कराते हैं। हट। उस दिन ऐसा लगा जैसे घड़ी ने 12 नहीं बजाए, कोई घंटी नहीं बची। अरे मैं हूं रोशनलाल, हॉस्टल का चपरासी। रुको अभी लाइट ऑन करता हूं। रोशन भैया आप? कोई डरावना सपना देख रहे थे क्या? नहीं भैया, ऐसे ही। पर आप इस समय? इस समय जानते हो समय क्या हुआ है? क्या? समय बहुत खराब है बाबू। अरे 1 बज गया दोपहर का, प्रोफेसर जोशी बुला रहे हैं तुम्हें असाइनमेंट के लिए। ओह शिट, मेरे को तो सुबह 9 बजे प्रोफेसर जोशी सर के पास असाइनमेंट लेके जाना था। भैया आप जाओ, मैं आता हूं। आप जाओ भैया। ठीक है। मैं आई कमिट सर। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। सॉरी वो सोते सोते टाइम का पता नहीं चला। असाइनमेंट प्लीज। नहीं है सर। व्हाट डू यू मीन बाय नहीं है शोभित? सीरियसली सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने असाइनमेंट तो 3 दिन पहले ही पूरा कर लिया था, पर उसी रात को एक अकेला नाम का स्टूडेंट आया मुझसे मेरा असाइनमेंट ले गया। कहने लगा कि लौटा देगा, लेकिन उसने अभी तक नहीं लौटाया सर। डोंट लाई टू मी।
I know each and every student of your class. Akhil naam ka koi bhi student tumhari class mein nahi padhta hai. Don't give me this bloody excuse. Sir, sir, section B bataya tha sir usne. मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी क्लास के अलावा सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी पढ़ाता हूँ और किसी भी क्लास में अखिल नाम का स्टूडेंट है। मेरा विश्वास कीजिए सर, I promise। उसने अपना नाम अखिल बताया था सर। उसके सर लंबे लंबे बाल थे, उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था सर। सर मैंने बड़ी मेहनत से असाइनमेंट पूरा किया था। सर मैं झूठे बोलूंगा सर, ये जरूर किसी सीनियर क्लास के स्टूडेंट की शरारत है। उसे तो मैं पनिशमेंट दिलवा के रहूंगा। He will get what he wishfully deserves। पर क्या तुमने उसे ध्यान से देखा था? हाँ सर, मैंने चश्मा नहीं पहना था, लेकिन उसको देखते ही पहचान जाऊंगा सर। Okay, come with me। I hate such students जो पढ़ाई के साथ इस तरह का मजाक करते हैं। सारे सीनियर क्लासेस के रिकॉर्ड चेक करो, जैसे मिलता है तुरंत मुझे बताओ, फिर मैं प्रिंसिपल सर से बात करता हूं। स्टूडेंट ये तो नहीं? हाँ सर, हाँ सर, यही अकेला, कैसे भूल सकता हूं मैं इसे? पक्का सर यही अकेला है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, इसने झूठ बोलकर मेरे से मेरा असाइनमेंट लिया था। ये नहीं हो सकता, 3 दिन पहले यही आया था सर। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि 10 साल पहले ये मर चुका है। अखिल एक होनहार स्टूडेंट था, सेक्शन बी में पढ़ता था, मैथ्स में थोड़ा कमजोर था। वो उस दिन मैथ्स का असाइनमेंट तैयार कर रहा था हॉस्टल की छत पर। किसी को नहीं पता उसका पैर फिसला, वो उस दिन खुद गिरा या गिराया गया। पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने असाइनमेंट उसी को दिया था। अपने आप को संभालो शोभित, लगता है तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैं ऐसा करता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे को 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। आज रेस्ट करो, कल से फिर कोशिश करना। बट रिमेंबर 1 वीक। उस रात शोभित को नींद नहीं आई। पूरी रात वो यही सोचता रहा कि जो उसके साथ हुआ वो सच था या सपना। पर किसी तरह उसने खुद को समझाया और अगले दिन से वो असाइनमेंट पूरा करने में लग गया। दिन बीतते गए, शोभित और ज़्यादा मेहनत करने लगा और नतीजा ये हुआ कि उसने असाइनमेंट 6ठे दिन ही पूरा कर लिया।
टेबल पे किताबों के नीचे रखा है। असाइनमेंट तो तुम मुझे उस दिन देने वाले थे। बिल्कुल, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात? 12 बजे तक दरवाजा ना खोलने की। तुमने ठीक 11:45 पर दरवाजा खोल दिया था। इसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बस एक मिनट, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम अगर मैं शोभित की जगह होता तो मैं अखिल से एक ही बात पूछता। क्या? यही कि तुम ओहो तेल खत्म। अरे 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 अरे, मुझे अंदर से बहुत डर लगता है। रोशनी करो जल्दी। चिंता मत करो, शांत रहो, अभी मोमबत्ती जलाता हूँ। अरे मुझे मिल गई मचिस, और ये जली। तो मैं अखिल से पूछता कि तुम मैं सफेद पुतले वाला भूत जानबूझकर तेल खत्म। बदला। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। विश्वास करो, पक्का तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तुम मुझे ये बता दो